क्यों आ रहे लोग ये, इस धाम पे इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समस्या का समाधान होता है। वो हमारी छोरिया इधर विषय कौन सा है दो दिन पास किटे उड़े भी खूब सारा खूब सर आराम लगा अपना आराम लग गया यार। मेरे हस्बैंड को कैंसर था जी। कैंसर था? हाँ जी। मतलब अब वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, माँ ने कहा था कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मतलब वो पूरी गली में एक ऐसा चमत्कार हो गया भाई, हाँ जी क्या बंदा। अभी कितना आराम है? आराम है पहले से। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 100 में से कितने? 100 में 80% तो है। 80% और इन्होंने अरदास मांगी कि माता रानी मेरी जोड़ी भर दो, संतान दे दो, और यहाँ पे गुड़िया लेके आई साथ में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। फिलहाल खड़ा हूँ महामाया धाम मुंडाल में, और मुंडाल धाम आपने बहुत ही सुना होगा, हमारे चैनल पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें माता रानी के चमत्कार आपको देखने को मिल जाएंगे। अनेकों लोगों की बीमारियाँ दूर हुई हैं, अनेकों लोगों के मनोरथ पूरे हुए हैं, और बहुत से लोगों की जो लाइलाज बीमारियाँ थी, डॉक्टर जिनको दवाइयाँ दे दे के थक चुके थे और लुटपिट के थक हार के जो इस धाम पे माता के श्री चरणों में जो आए, यहाँ पे आने से उनके सभी संकट दूर हो गए, सभी मनोरथ उनके यहाँ पे पूरे हो गए, ऐसी बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी। और आज फिर उन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए और आप सभी लोगों से बातचीत करने के लिए फिर दोबारा से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पे माता रानी के जो चमत्कार जिनके साथ में हुए हैं, जिनके साथ में कुछ माता रानी का आशीर्वाद घटित हुआ है, या जिनके मनोरथ पूरे हुए हैं, तो कृपा करके जिन जिन से मैं पूछूँ सब लोग बताने का कष्ट करें, और वीडियो में दी गई जानकारी जो है सभी जानकारी को आप एक प्लेलिस्ट मुंडाल धाम के नाम से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट में जाके देखें, सभी प्रकार के चमत्कार आपको मिल जाएंगे। फिलहाल कैमरा मैन से कहूँगा एक बार हमको फॉलो करें। और कहाँ से आए हैं आप? पाकसमा गाँव से जी। पाकसमा गाँव रोहित डिस्ट्रिक्ट। पाकसमा। तो कितनी बार यहाँ पे आ चुके? एक साल से ऊपर हो गया। एक साल से ऊपर हो गया तो लगभग एक साल में कितनी बार आए हो गए आप? शारीरिक समस्या लेके आए थे, कोई मनोरथ या इच्छा लेके आए थे क्या? यहाँ पे पूरी हुई? गणी बीमारी थी भाई, सारी ठीक हो रही। सारी ठीक हो गई? हाँ। तो डांगरा की भी, मानसा की भी कई बीमारी थी। मतलब घर में लगभग बहुत सी तरह की समस्याएं थी और यहाँ पे आने से सब दूर हो गई। तो लगभग कितने बार आने से यहाँ पे दूर हो गया? 2-3 बजे आए थे जी, पर हाँ थोड़ा फर्क लगने लग गया। तो आज तो बस वैसे बेटे भी आओ, बहू भी आओ, सारा परिवार आओ है। सारा परिवार आने लगा। हाँ भाई। तो मानते हो माता रानी का चमत्कार? हाँ, माता रानी का चमत्कार। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे खर्चा पानी करते भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य किम के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, जगह जगह जाते हैं लोग लुटपिट के हार के वापिस आ जाते हैं, फिर करते हैं बदनाम बाबाओं को महात्माओं को। क्या यहाँ पे माता रानी ने आपसे कुछ ज्यादा पैसा खर्चा ऐसा कुछ लिया? ना भाई, कुछ नहीं मांगे माता रानी ना। हमारे दर्शक जो लोग प्रसार पे आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या? तो किसी प्रकार की समस्या तो माता रानी के चरणों में आओ और दुख दूर करवाओ, सीधी नीचे आओ भगवान की, माता रानी के चरणों में भाई, हमारे तो सारे दुख दूर हो गए। सारे दुख दूर हो गए? हाँ। आपके दूर हो? तो देखिए भाई, माता रानी के चमत्कार आपको देखने को मिल रहे हैं जगह जगह से। माता जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आए, 2-3 बार आए, उसके बाद हमारी सारी समस्याएं जो दूर हो गई, और ये लगातार एक साल से यहाँ पे आ रहे हैं, किसी प्रकार का पाखंडी नहीं दिखाई नहीं दिया है। और हमारी माता जी बैठी यहाँ पे, देखिए भाई छोड़ी ऊपर, अरे पड़ जा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। अरे छोड़ो भाई, कहाँ से आए हो आप? तारनोल से। नारनोल से? तारनोल से, तारनोल धनाना। अच्छा, तारनोल धनाना से। तो और कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 वर्ष सारे हो गए। 2 वर्ष हो गए? हाँ। ये बीमारी थी? के बीमारी थी, किमें बीमारी थी, वो अपने खुशी ता जावा। खुशी ता जाओ? हाँ। सुकून मिला हड़ा के? हैं? सुकून मिला है, शांति मिला है के? खूब जी बे बज जावा। घर में क्यों बरकत हो है? ओ सर बेटा। खूब हो रही हमारी छोरिया इधर विषय कौन सा है दो दिन पास किटे उड़े भी खूब चल रहा है। खूब चल रहा है? खूब चल रहा है। मौज कर दी माता रानी? हाँ मौज कर दी। ले भाई। अरे माता रानी उड़े बिजा है, उनका दो बिजा है। अच्छा। हाँ, कोई रोटी खाता बताओगी, कोई कुकरे नो, कोई ठीक सो। ताई के मौज कर रखी माता रानी न्यू, और सबकी मौज करे। राम राम जी। राम राम। कहाँ से आए? डाणी थे। हाँ जी, डाणी था जी। डाणी थे? हाँ। कौन सी डाणी से? जींद वाली। जींद वाली डाणी से। कितनी बार आए थे? अब 8-7 महीने जान दे। 8-7 महीने हो गए। क्या तो माता रानी गणेश चक्र काटने बता रखे हैं, दुख दूर को नहीं हो क्या बात है? ना वो भी आ जा, एक लड़की बीमार है या दूसरे ले आए। तो सच सच बताना कि यहाँ पे आने से क्या आपको घर में काम धंधे में किसी प्रकार की बीमारी में या मनोरथ आपके पूरे हुए हैं, कोई फायदा हुआ है? आराम है जी। तो कितना का आराम है? ठीक है। क्या समस्या थी, क्या आराम है?
घर की है थी इविया लड़की की थी पूरा पूरा आराम है हां लड़की की है लड़की ने लेकर आ रहे हैं लड़की की समस्या लड़की का कोई टीवी बता दे डॉक्टर कोई की में बता दे कोई की में बता दे समझ में नहीं आ रही मतलब बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है यहां पे कितनी बार लेके आए इसको इसने दूसरा है लेकर दूसरा लेकर तो एक बार आने सिक में है फर्क थोड़ा नो सह फर्क 19-20 का सह फर्क क्या बताया माता रानी ने माता रानी ओ जगाराम आपने विश्वास है पूरा हाँ विश्वास है जी चीज मैं आप लोगों को बता दूं सारे लोग सुन भी रहे हैं कुछ लोग ये कहते हैं भाई श्रद्धा क्या होती है पूर्ण श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आओ पूर्ण श्रद्धा क्या होती है और विश्वास क्या होती है इसका कोई पैमाना तो होता नहीं भाई कोई मीटर है माप लेंगे भाई तेरी श्रद्धा है श्रद्धा होती है पूर्ण मन में विश्वास करके कि वहां जाने से मेरी समस्या दूर हो जाएगी ये मन के अंदर पूर्ण विश्वास लेके आओगे ना वही पूर्ण समर्पण के साथ यहाँ पे हे माता रानी आप ही हो जो कुछ हो हमें कुछ समझ में नहीं आता रास्ता आपका यहाँ तक आने का हमें पता चल गया इससे आगे कहाँ लेके जाना और क्या करना वो सब आपकी मर्जी है ये पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अगर आप यहाँ पे हाजिर होगे तो ही समस्याओं का समाधान होता है अगर यहाँ पे आजमाने के लिए अगर यहाँ पे भाई आप ये देखने के लिए कि भाई क्या होता है कैसे होता है होंगे कि नहीं होंगे मन के अंदर संशय हो गया तो मुश्किल है पूर्ण समर्पण के साथ आओगे तो इन ताई के तरह इन ताई की तरह इन बहन की तरह सब की तरह मतलब जो है यहाँ पे आने वाले लोग हैं ठीक यहाँ पे हो रहे हैं सबकी जो है कार्रवाई पूरी ठीक बैठ रही तो अच्छा हाँ। तो कितने दिन हो गए आते हुए मेरी सातवीं फेरी है सातवीं फेरी है हाँ। कितनी फेरी लानी बताई माता ने माता ने बताई नहीं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से आ रहे हो हाँ। मतलब काम सिद्ध हो जाओ हाँ। उसके बाद भी लोग आते रहो जैसे ताई आने लग रही है लगातार एक साल से काम सिद्ध हो रही तो भी आपका काम सिद्ध होया है मेरे काल जम गणा दर्द था डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं पाई फिर मैं उरा आई मेरे बाबे ने बताई थी ताऊ के लड़के की बहू ने तो जब उरा आई हूँ मैं आराम कर दम हाँ ये पूरा पूरा आराम पूरा आराम के ला गया आपने कि डॉक्टरी बीमारी थी क्या और कोई समस्या थी डॉक्टरी बीमारी नहीं थी डॉक्टरी तो आई है कोनी क्या है मैं तो यहाँ माता के दरबार में आई तो मेरा राम मिला है पूरा राम हाँ। कितने एक फीस लगी फीस कितनी लगी कुछ नहीं लगी माता रानी के दरबार में आए हाजिर हुए मन में एक माता रानी मेरे ठीक हो जा आपका ठीक हो गया किसी प्रकार की कोई फीस कोई पर्ची कोई टेस्ट नहीं टेस्ट कोई नहीं माता रानी खुद है टेस्ट कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र इस तरह से होते हैं भाई कुछ पूर्व जन्म के पाप इस तरह के होते हैं कि उनको थोड़ा समय लगता है लेकिन आखिरी विकल्प उनका परमात्मा का दरबार ही होगा वहीं पे जाके उसकी समस्या समाधान हो सकता है ये बहन जी कह रही हैं कि मेरी बीमारी पता नहीं लगी और यहाँ पे आने से ठीक हो गई न यहाँ पे कोई टेस्ट किया न यहाँ पे किसी प्रकार की ओपीडी फीस लगी न यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पाखंड बाउंड्री या किसी प्रकार का ताम जामिन को नहीं बताया यहाँ पे आके क्यों ठीक हो गई क्योंकि कुछ तरह की समस्याएं होती हैं जो डॉक्टरी इलाज से परे होती हैं तंत्र मंत्र क्रियाएं भी होती हैं किया किराया भी होता है भूत प्रेत टोना टोटका डांकनी सांकनी यक्ष गंधर्व राक्षस सब कुछ होते हैं इस धरती के ऊपर जितने भी नाम हैं ये मैं मेरी जुबान से नहीं कह रहा हूँ आप वेद पुराण उठा के देखो सभी में आपको इनाम मिल जाएंगे क्योंकि जिसका भी नाम इस धरती पर लिया जाता है वो सब शक्तियाँ इस पर विराजमान हैं अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है और जो भी है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चलती है तो कहीं ना कहीं आदमी नेगेटिव एनर्जी से गिर जाता है तब जाके परमात्मा का दरबार याद आता है और यहाँ पे आने से लोगों के संकट हमेशा ही दूर हो जाते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा होते हैं भगवान का दरबार होता है माता का दरबार होता है शिव शक्ति शक्ति रूप में यहाँ पे आद्य शक्ति माता काली स्वयं विराजमान है वो आते ही भक्त की मनोरथ समझ लेते हैं और यहाँ पे दूर कर देते सभी का संकट तो और बातें करते हैं राम राम जी राम राम कहाँ से आए आप तो शामता है तुसाम जी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे कई बार आ गए कि मैं आराम होया है कोई समस्या का समाधान होया है होया है कितना हो गया कि मनोरथ था कोई सारा ही सारा ही हो गया सारा ही जब आराम हो गया तो ये अपनी खुशी से आ रही हूँ और कहाँ से सुना मैं मैम से आई हूँ जी मैम से कितनी बार आ चुके पहले मेरा ही पहले सात बार आ चुकी आज आठवीं बार आई हूँ क्या समस्या लेके आई थी मेरे हस्बैंड को कैंसर था जी कैंसर था हाँ जी मतलब अब वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है माँ ने कहा था कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी कब करवाया टेस्ट आपने टेस्ट तो अभी करवाया है जी पहले भी करवाया था एक बार यहाँ पे आने के बाद कब करवाया अब यहाँ पे आने से पहले नोटते ने उसकी मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आई है उससे 15 दिन पहले थी माता रानी ने कह दिया था कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी अब नॉर्मल आई हाँ नॉर्मल आई तो मतलब ये तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा बहुत बड़ा चमत्कार मेरे हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हैं अजीत सिंह जिनको कैंसर था जी अब उसका ये बताया है डॉक्टर ने आपको कोई कैंसर नहीं है कुछ नहीं है बिल्कुल ठीक हो नॉर्मल हो और अंजलि है मैम से इनके पति को कैंसर था और 6 या 7 बार यहाँ पे आई माता रानी ने पहले बता दिया था कि अब की बार रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी आपके पति ठीक हो चुके हैं ऐसा ही कहा था बहन जी
और ये यहीं पे बैठे उनसे बात भी करवाएंगे आपकी, और यहाँ पे जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो बहुत बड़ा चमत्कार है भाई। इससे ज़्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है, कैंसर जैसे वैसे नाम ये हमारे यूट्यूब पे वॉयलेंस आ जाता है थोड़ा, कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ डॉक्टर थक जाते हैं जिनका इलाज करते करते, और मरीज भी थक जाता है इलाज करवाते करवाते। मेरी पूरी गली में चमत्कार मान्या गया जी, मेरा पति ऐसा हो रहा था, बस नू हो रहा था, हमने भी खुद भी वो नू क्या करता कि मेरी लाकड़ी इकट्ठी कर लो, नू कर लो, अनाब शनाब लग गया था, बोलो हमारी भी हिम्मत खत्म हो गई थी, मतलब वो पूरी गली में एक ऐसा चमत्कार हो गया भाई, हाँ जी क्या बंदा जी। हाँ तो आप तो बहुत खुश हो गए, और मतलब बहुत बहुत माता का शान मानते हो। बहुत शान मानूं जी, बहुत घना, बहुत बड़ा शान। देखिए भाई, जिनके पति ठीक हो जाएं और जिनको जिनकी समस्या का समाधान हो जाए, निराकरण हो जाए जिनका, वो तो माता जी का एहसान हमेशा जिंदगी भर मानेंगे। और ये बहन अंजलि महम से आई थी, उनके पति भी साथ में आए हैं जिनको कैंसर था, वो फिलहाल ठीक हो चुका है जी। आप जी तो शाम से कितनी बार आए पहले? काफी बार आ चुका। काफी बार है। क्या कोई समस्या का समाधान हुआ आपका? मेरी गुड़िया यहीं आने के बाद हुई है जी, मेरी बेटी यहाँ आने के बाद हुई है। अच्छा, आपने मन्नत मांगी थी कोई संतान पैदा हो जाए। हाँ जी। यहाँ पे आने से पूरी हुई आपकी? हाँ जी जी। तो कितनी बार यहाँ पे आई? एक ही बार आई थी। एक बार माता सुन ली। हाँ जी। सच्चे हृदय से आई। हाँ जी जी। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, ये पूजा बहन थी भाई, एक बार आए यहाँ पे और इन्होंने अरदास मांगी कि माता रानी मेरी जोड़ी भर दो, संतान दे दो, और यहाँ पे गुड़िया लेके आए साथ में। देखो जाट काम। कितने बार आ चुके पहले? मैं तीसरी बार आयो। किस समस्या लेके आए हो? समस्या लड़को आगे मतलब 3-4 साल वो भीतर थी ना, निकले और बस वैसे ही पड़ी रहे, तो भीतर घर के भीतर रहो? घर के भीतर ही रहो। कितनी उम्र है? उम्र तो 16-17 साल को ही हो, 17-18। शर्मावे है कि बीमारी होगी कि नहीं? कोई कुछ प्यार उठो। अच्छा, मतलब आपने कुछ लग गया है कि ऐसा कुछ किया कराया, कोई तंत्र मंत्र टोना डोड़ का ऐसा कुछ होगा? तो मैं फर्क सर कितना एकदम बाहर तीसरी हाँ बाहर जा है। 3-4 साल तो निकले कौन था ना निकले हो तो मतन को दुआई दी के दिया? हाँ बस प्रसाद प्रसाद। और मतलब पैसे पैसे कुछ लिए ना? आराम लगा अपने? आराम लग गया। जब मैं तीसरी बार फिर आया जी। धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब। ये कह रहे कि भाई लड़का 3-4 साल से घर के अंदर ही था, निकल ही नहीं रहा था, कोई समस्या थी, कोई किया कराया मान रहे थे, कोई ऊपरी वादा का असर मान रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आने से इनको आराम हो गया। करे भारत का खेलने जाता है, घूमने जाता है बिल्कुल। यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हो कैमरे में से, अकबर थोड़ा दिखा दे घुमा के भाई, पर जितने भी लोग बैठे हुए देखिए, हाल खचा खच भरा हुआ, और बार भी गली में भीड़ लगी हुई है। माता रानी निस्वार्थ भाव से यहाँ पे लोगों की सेवा करती है, जन सेवा, कहते नर सेवा ही नारायण सेवा है। और माता के दरबार में तो भाई कोई भी आओ, माता तो सबको गले से लगा लेती है। वैसे माँ का दर्जा इसलिए बड़ा बताया गया कि ये कहते पूत को पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माता कैसा भी बंदा हो, कोई भी कितना ही पापी हो, पापी से पापी बंदे को भी अपनी शरण में ले लेती है, और उसके समस्त पाप दूर करके उसको निर्मल पाक पवित्र बना देती है। आपको क्या समस्या थी? ये शरीर में दर्द रहता था, मेरे हाथ पैर दर्द रहता था जी। अभी कितना आराम है? आराम है पहले से। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 100 में से कितने? 100 में 80% तो है। 80%। कितनी बार आये हो? दूसरी बार आई हूँ। दूसरी एक बार में 80%। ले भाई, डॉक्टर भी एक बार नुका कर रहे हैं 4 दिन की दवाई लीजिए, 4 दिन के बाद में फिर आ जाइए, लेकिन ये तो 80% एक बार में ही। आप नमस्कार जी, बोला नहीं जा रहा, कम बोला जा रहा है, थोड़ा सा बोल के बता दो। आराम हो गया पूरा? ओके रिपोर्ट। यहाँ पे आने से कोई दवाई पानी तो कौन दे? प्रसाद सिर्फ, आशीर्वाद, मौज होगी। नुकाने लगा था भाई मरूंगा है, इब जी गया। ले भाई ऐसे देख लो आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं वैसे, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों के विश्वास के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। दिखानी जरूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई जो थोड़ी सी रखनी पड़ती है पर्दे में, लेकिन भाई मुस्कुरा रहा है, कर रहे यहाँ पे आने से एकदम ओके हो गया, थम्स अप का निशान उन्होंने दिया है। अच्छा अच्छा, काम बनते हैं भैया जी, बनते काम है। यहाँ पे आने वाले लोग तो कहते आराम आराम है यहाँ पे आने से, पहले परेशानी थी जी। धन्यवाद। हमने जो लोगों से बातचीत करी है, निष्कर्ष रूप में ये निकला है कि माता रानी के चमत्कार अजीब है यहाँ पे आने से, और लोगों के समाधान तो हो ही जाते हैं। सामने कैमरामैन से कहूँ कि दर्शन करवा दें, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं लाइव यहाँ पे देख लें एक बार माता रानी के साक्षात दर्शन यहाँ पे कर लें। माता खुद कहती हैं कि जो भी मेरे पास आएगा
जो भी मेरी शरण में आएगा सबके पाप काट के और सबके दुखड़े दूर करके सबको निर्मल बना दूंगी, सबको पवित्र बना दूंगी। किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, किए किराए से परेशान हैं, आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा दिया है, या आपको लगता है कि भाई मेरे भाग्य में कोई कमी रह गई है, मैं मेहनत पूरी करता हूँ और मेरे काम में 100 का काम करता हूँ तो 60% रिजल्ट मिलता है, ऐसा मानना है तो इस माता रानी के दरबार में एक बार आके देखें, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान यहाँ से हो जाए। लोक प्रसार हरियाणा किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है, सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जो लोग कहते हैं वही चीज़ें हूबहू आपके सामने परोसते हैं, किसी भी प्रकार के लाग लपेट हम नहीं करते हैं। माता रानी के दरबार तक का रास्ता दिखाना हमारा काम है, इससे आगे यहाँ पे आना और इसके आगे जितनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास जितना होगा आपका उसी हिसाब से आप फल पाओगे। यही शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं विनय लांबा आप सभी दोस्तों से लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।